तो जब से क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग एक तरीके से डेड हुई है, तब से भाई हमारे जो यूज्ड मार्केट है उनके अंदर मतलब यूज्ड जीपीयूज का अंबार पड़ा हुआ है। मतलब यार सस्ते में बहुत ही अच्छा खासा डील्स मिल जा रहा है। अब वैसे में ना बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं, क्या हमें माइंड कार्ड लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? और कुछ लोग को तो भाई ऐसा लगता है कि माइंड कार्ड्स अगर ले लिया तो वो तो तुरंत मर जाने वाले हैं, उनको लेके मतलब नहीं है। माइंड कार्ड्स यार मतलब उनकी जिंदगी खत्म हो गई रहती है, वो बुढ़े रहते हैं, वो सिर्फ कभी भी दम तोड़ सकते हैं। तो आज हम इस विषय के बारे में बात करेंगे और फिर आपको बताएंगे क्या आपको माइंड कार्ड्स लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, आखिर आपको लेना चाहिए तो कब लेना चाहिए, और नहीं लेना चाहिए तो क्या क्या रीजंस की वजह से नहीं लेना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, टेक सुविधा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अब आरंभ करते हैं। तो सबसे पहले तो ये सवाल जो है जो कि क्या हमें माइंड कार्ड्स बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि यार देखो आपको जो डील मिल रही है ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, चलो सबसे पहले बात कर लेते कि आप कैसे डिटेक्ट कर सकते हो कि सामने वाला जो मुझे कार्ड बेच रहा है वो माइंड है कि नहीं है, आप कैसे पता लगाओगे। सबसे पहला तो देखो यही चीज से आप पता लगा सकते हो कि जो बिल रहता है उनका वारंटी वाला, उसके अंदर आपको मल्टीपल ग्राफिक्स कार्ड दिखेंगे। ठीक है, अब हालांकि मल्टीपल आपको ग्राफिक्स कार्ड दिखे मतलब कि एक बिल के ऊपर 10-15 कार्ड चढ़े हुए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब माइंड के लिए यूज किया हुआ है। हो सकता है किसी कंपनी का, किसी ऑर्गेनाइजेशन का हो। ठीक है, मतलब कि किसी साइबर कैफे का कार्ड हो, जो कि ज्यादातर हाई एंड कार्ड साइबर कैफे वगैरह में यूज होते हैं। ठीक है, लेकिन जो RX के कार्ड है ना, मतलब कि रेडियन वेगा 56 या फिर RX 580 या 570 480, मतलब ये सब जो कार्ड है ना ज्यादातर माइनिंग के लिए यूज होते हैं। ठीक है, दूसरी बात, अगर माइंड कार्ड्स हैं मतलब कि बहुत ज्यादा उनके ऊपर माइनिंग किया गया हुआ है, तो उनके जो ब्रैकेट्स होते हैं ना उनके ऊपर आपको जंग लगे हुए दिखेंगे। अब हालांकि ये हटाया जा सकता है जंग मतलब घिस के सैंड पेपर से, लेकिन फिर वही बात है कि उसके ऊपर ना स्पॉट्स रह जाते हैं, क्योंकि जो माइनिंग रिग्स होते हैं ना वो ओपन एयर के अंदर होते हैं। मतलब कि अब इतने सारे कार्ड रहेंगे वो आप एक केस के अंदर तो लगा नहीं सकते, तो ये जो होते हैं ना बेंचेस की तरह बना के रैक्स की तरह रखा जाता है और उनके ऊपर बहुत सारे कार्ड लगे हुए रहते हैं, जिसकी वजह से कि आपके कार्ड के ऊपर मॉइस्चर भी आता है, फिर ओपन एयर रहता है तो मतलब डस्ट पार्टिकल्स वगैरह भी सेटल होते हैं। तो अगर कार्ड बहुत ज्यादा गंदा है तो ये भी मतलब एक आप बोल सकते हो कि ये एक साइन है कि ये कार्ड माइंड में यूज किया गया है। लेकिन बहुत बार ये भी होता है ना यार कि बंदा अपने कार्ड का अच्छे से केयर नहीं कर रहा है, मतलब कि पीसी में एक बार लगा दिया फिर उसको साफ सुथरा नहीं किया, तो ऑब्वियसली बात है उस कार्ड के अंदर भी डस्ट आ जाएगा, उसके ऊपर भी हल्का फुल्का जंग लग जाएगा। तो मतलब ये एकदम परफेक्ट तरीका नहीं कि आप माइंड कार्ड्स हैं कि नहीं आप पता नहीं लगा सकते, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो कि अपने कार्ड्स को एकदम अच्छे कंडीशन में रखते हैं, आपको देख के लगेगा ही नहीं कि ये कार्ड्स माइनिंग में यूज हुए हैं। तो अब सवाल के आंसर के ऊपर आ जाते हैं, मतलब क्या आपको माइंड कार्ड्स बाय करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। भाई इसका आंसर यस भी है और नो भी है। अब मैं आपको बताता हूँ। देखो अगर कोई बंदा आपको काफी अच्छा डील दे रहा है, ठीक है, और वो साथ में आपको 1 साल 1.5 साल या मान लो 2 साल की वारंटी भी प्रोवाइड कर रहा है और वो अच्छे प्राइस पे दे रहा है, तो डेफिनेटली यार मैं रेकमेंड करूँ कि आप बाय कर लो, क्योंकि यूज्ड मार्केट में ना इस वक्त कार्ड्स का अंबार पड़ा हुआ है और आपको ना जो कार्ड का प्राइस है उसके हाफ ऑफ प्राइस पे कार्ड्स मिल जा रहे हैं। यहाँ तक कि यार कुछ मतलब कि समझ लो कुछ माइनर्स ने RX 580 लिया माइन करने के लिए और 2-3 महीने बाद ही उसके क्रिप्टो करेंसी का मार्केट क्रैश हो गया, तो ऐसे 2-3 महीने वाले यूज किए हुए कार्ड्स भी आपको मिल जा रहे हैं, वो भी काफी सस्ते में। तो ये सब जो कार्ड्स है ना भाई इनके ऊपर तो काफी खतरनाक डील है यार। मैं डेफिनेटली रेकमेंड करूँ कि आप ऐसे कार्ड्स को उठा ले जो कि मतलब 5 से 6 महीने यूज किए हुए, भले माइनिंग में यूज किया हो लेकिन आपको मतलब कम से कम 2.5 साल की वारंटी दे रहे हो और अच्छे मतलब प्राइस पे मिल जाए, तो ऐसे कार्ड्स को आप डेफिनेटली उठा सकते हैं। और रही बात ये मिथ की कि यार माइंड किए हुए कार्ड्स मत लो, ये कार्ड तुरंत मर जाएगा, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला, वो इस तरीके से आते हैं ना। आप सपोज करो आप अगर आप गेमर हो तो आप ज्यादा ज्यादा एक कार्ड लोगे, या तो फिर आप SLI करोगे या क्रॉस फायर करोगे तो 2 कार्ड ले लोगे, लेकिन माइनर्स का क्या होता है ना वो बल्क में लेते हैं, मतलब कि उनके पास 100, 200, 300, 400 यहाँ तक कि 1000-2000 कार्ड्स भी होते हैं। ठीक है, अब आप खुद सोचो आपके पास 1-2 कार्ड है तो उसके ऊपर फेलियर रेट कितना होगा। मतलब अब देखो फेलियर रेट हर कार्ड का ना ऐसे होता है, मतलब ज्यादातर जो हाई एंड कार्ड है तो उनकी फेलियर रेट 4% से लेके 5% की होती है। मतलब कि अगर कोई माइनर कार्ड लेता है, ठीक है, मतलब कि RX 580 ले लिया, ठीक है सपोज कर लो, अब उसके अंदर उसने 1000 कार्ड लिए,
1000 कार्ड में से वही पकड़ लो कि 4-5% का फेलियर रेट है, तो मतलब कि 40-50 कार्ड उसके खराब हो गए, तो उसका कोई टेंशन नहीं है, वो कार्ड्स आरएमए में चले जाते हैं और फिर उनको नए कार्ड्स मिल जाते हैं उसके बदले। तो ये थी मिथ की बात कि माइंड किए हुए कार्ड्स खराब होते हैं, हालांकि कुछ केसेस में जरूर होते हैं, हम उनके ऊपर भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेकिन ये जो मिथ है ना कि माइंड किए हुए कार्ड्स खराब होते हैं, हमेशा मर जाते हैं, वो यहीं से आते हैं, क्योंकि यार देखो कोई भी माइनर वो बल्क में लेता है, ऑब्वियसली बात है उसके पास कम से कम 40-50 कार्ड्स तो खराब होंगे ही होंगे, तो लोगों को ये लगता है कि अरे नहीं माइंड कार्ड्स डेड हो रहे हैं, माइंड कार्ड नहीं लेना चाहिए गेमिंग के लिए। अब एक और बात मैं बताना चाहूंगा ना कि पहले जब माइनिंग स्टार्ट हुआ था, ठीक है, मतलब कि जब अपने स्टार्टिंग फेज में था जीपीयू से जब माइनिंग स्टार्ट किया गया था, तब के जो कार्ड्स रहते थे ना यूज्ड वाले, वो एक्चुअल मतलब खराब रहते थे। उसका कारण ये है ना कि पहले जब ज्यादा लोगों को नॉलेज नहीं था, तो होता क्या था कि वो अपने कोर क्लॉक से बहुत ज्यादा मतलब पुश कर देते थे, ठीक है, उसको फैंस को 100% पे हमेशा यूज करते रहते थे, तो उनको मतलब पूरा मालूम नहीं था कि कैसे क्या करना है, उनको ट्वीक करने बराबर आता नहीं था, उनको लगता क्या था कि बस ओवरक्लॉक कर दिया तो परफॉर्मेंस बढ़ जाएगा, मतलब हैशिंग रेट बढ़ जाएगा। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता है। कोई भी कार्ड हो या फिर कोई भी सिलिकन होता है ना, मतलब कि चाहे प्रोसेसर हो या फिर आपका ग्राफिक्स कार्ड हो, जब आप उसकी क्लॉक स्पीड बढ़ाते हो ना, तो मतलब कि आपने 10 MHz बढ़ाया तो मान लो कि 5 W ज्यादा पावर कंजम्पशन बढ़ा, और वहीं पे आप अगर 20 W बढ़ाते हो तो डायरेक्टली 5 और बढ़ने की बजाय सीधा 10 W बढ़ जाएगा। तो ऐसे होता है कि जब आप क्लॉक स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ाते रहते हो ना, तो आपकी एफिशिएंसी खराब होती रहती है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज करो कि कोई एक प्रोसेसर है जिसके अंदर 4 कोर है और वो 2 GHz पे क्लॉक्ड है, तो उसकी TDP सिर्फ अराउंड 15 W है, ठीक है। लेकिन वहीं पे कोई एक और प्रोसेसर है दूसरी कंपनी का जिसके अंदर 2 ही कोर्स है, लेकिन उसके जो 2 कोर्स है वो 4 GHz पे क्लॉक्ड है, तो उस प्रोसेसर की जो TDP है वो कुछ अराउंड 45 W है। तो इससे आपको समझ गया होगा कि मतलब क्लॉक्स की जो स्केलिंग होती है पावर कंजम्पशन के हिसाब से वो कैसी होती है। और हाँ, ऑब्वियस ही बात है कि जैसे जैसे आप पावर वोल्टेज मतलब बढ़ाओगे आपके सिलिकन के अंदर, ऑब्वियस ही बात है वो आपके सिलिकन के लिए खराब होगा। तो ये सब चीजें पहले के जमाने में होती थी। हालांकि अभी भी हल्की फुल्की ओवरक्लॉकिंग होती है कार्ड्स के ऊपर जो कि माइंड में यूज किए जाते हैं, पर वो ज्यादातर मेमोरी के ऊपर होती है, और मेमोरी यार सही में बहुत लंबा टिक जाती है। आजकल के जो माइनर्स होते हैं ना, वो बहुत ही ज्यादा स्मार्ट है। वो अपने कार्ड की जो रीसेल वैल्यू उसको बचा के रखने के लिए वो ऐसा करते हैं ना कि अपने कार्ड को अंडरवोल्ट करते हैं। अब अंडरवोल्ट करने से ना पावर कंजम्पशन बहुत कम हो जाता है कार्ड्स का, तो एक तरीके से हैशिंग रेट तो नहीं बढ़ता है, हैशिंग रेट थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन उस हिसाब से जो पावर कंजम्पशन है वो कम हो जाता है। तो इससे एक तरीके से उनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है ना वो थोड़ी बहुत बढ़ जाती है एक्चुअली। और हाँ, कुछ लोग को ये लगता है कि माइंड अगर एक बार कार्ड्स हो गए तो उनकी परफॉर्मेंस गिर जाती है, तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा कुछ नहीं है। जितना आपने मतलब गेमिंग करते हो आपको परफॉर्मेंस जैसा मिलता है मतलब ब्रांड न्यू कार्ड के ऊपर, वैसा ही परफॉर्मेंस आपको एक माइंड कार्ड्स के ऊपर भी मिल जाएगा। अगर आप गेम खेलते हो तो परफॉर्मेंस में कोई इशू नहीं होगा। बस यही बात है कि आप अगर कार्ड ले रहे हो ना तो देख के लीजिए, मतलब कि अराउंड 1.5 से 2 साल का वारंटी रहे उसके ऊपर, या फिर मिनिमम 1 साल का वारंटी तो रह ही रहे, ठीक है, कार्ड का कंडीशन भी अच्छा हो। और ऑब्वियसली बात है ये तो बताने की जरूरत नहीं है कि मतलब आपको एक काफी अच्छा डील मिल रहा हो। तो इससे क्या होगा कि अगर आप एक यूज्ड कार्ड ले रहे हो, भले वो माइनिंग का, उसके ऊपर वारंटी है, उसका कंडीशन अच्छा है, तो इससे हो क्या रहा है कि आपका मतलब कहाँ पे बजट था एक 1050 Ti बाय करने का, लेकिन आप 1060 अफोर्ड कर पा रहे हो, तो ये प्रॉफिट होगा। और मुझे नहीं लगता कि यार आप एक बार कोई कार्ड लेते हो तो उसे 3-4 साल के बाद उसके बाद बहुत ज्यादा उससे मतलब यूज करने वाले हो, क्योंकि ऑफकोर्स ये बात है अगर आप गेमिंग करते हो तो आपको मालूम होगा कि हर 2-3 साल में कार्ड आखिर में चेंज करना ही करना पड़ता है। और आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बता देता हूँ कि माइनिंग में जो कार्ड यूज होते हैं ना उनके ऊपर ज्यादातर लोड 60-70 ज्यादा 80% रहता है, लेकिन गेमिंग में तो भाई कभी कभार 100% लोड भी चला जाता है। तो देखो इस मामले में तो माइनिंग कार्ड ही जीतते हैं, लेकिन हालांकि जो माइनिंग के वाले कार्ड होते हैं वो 24/7 चलते हैं, और गेमिंग के जो कार्ड रहते हैं ज्यादा आदमी कितना खेलेगा, बहुत बड़ा हार्डकोर गेमर होगा तो दिन में 8 घंटा खेलेगा, वो भी मुश्किल है, मतलब 6 घंटा खेलता होगा, 8 घंटा पकड़ लो आप। तो अगर यूज की बात करें तो देखो ऑब्वियस ही बात है जो एक गेमर जो है वो कार्ड का बहुत कम इस्तेमाल करता है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि अगर आप कोई माइंड कार्ड्स ले रहे हो तो वो तुरंत डेडी हो जाएगा। आप ये देखे कार्ड लो कि क्या आपको वारंटी मिल रही है, वारंटी मिल भी रही है तो कितनी वारंटी मिल रही है, प्राइस पे आपको किस प्राइस पॉइंट पे मिल रही है वो कार्ड, कार्ड्स की कंडीशन कैसी है। और आपको एक क्विक सा चीज बता देता हूँ, एक टिप है, अगर आप माइंड कार्ड से बचना चाहते हो, वैसे तो माइंड कार्ड्स के ऊपर आपको काफी ऑसम डील मिल जाएगा विद वारंटी, पर मान लो कि आप कुछ भी आपको माइनिंग कार्ड चाहिए ही नहीं,
ठीक है, तो आप ऐसा काम कर सकते हो कि जो मिनी वाले कार्ड्स है ना, यूज मार्केट से मिनी वाले कार्ड्स मत लो, क्योंकि ज्यादातर जो माइनर्स है ना वो भाई मिनी कार्ड्स को यूज करते हैं माइंड करने के लिए। क्योंकि देखो जो गेमिंग सीरीज के कार्ड होते हैं ना वो थोड़े एक्सपेंसिव पड़ जाते हैं, 4-5 हज़ार। जैसे कि ऑरस का 1080 Ti हो गया, वो आपको अराउंड 75-80,000 में मिलेगा। लेकिन वहीं पे अगर आप मिनी वाला जो 1080 Ti है वो लेते हैं तो वो आपको 65-63, यहाँ तक कि कुछ कुछ शॉप्स पे 60 में भी मिल जाएगा। तो ये क्या है ना, ये जो माइनिंग का गेम होता है ना, लेस इन्वेस्टमेंट, लेस पावर कंजम्पशन और मोर हैशिंग रेट के ऊपर चलता है। तो मतलब यहाँ पे जो सस्ता से सस्ता 1080 Ti मिलेगा माइनर्स उसी को उठाएंगे, सिंपल सी बात है, और जो कम से कम पावर मतलब कंज्यूम करे उसी कार्ड को उठाएंगे। हाँ लेकिन हैशिंग रेट भी मायने करता है, वरना फिर रेडियन कार्ड्स तो मतलब पावर कंजप्शन के मामले में हार जाएंगे एनवीडिया से। पर उन कार्ड्स का जो कंप्यूटिंग पावर है ना वो ज्यादा रहता है और उनका इसलिए हैशिंग रेट भी अच्छा रहता है। तो ओवरऑल मैं आपको लास्ट में यही रेकमेंड करना चाहूंगा कि अगर आपको एक काफी अच्छा डील मिल रहा है किसी कार्ड के ऊपर, ठीक है, आपको वारंटी भी मिल रही है अच्छा खासा, कार्ड का कंडीशन भी अच्छा है, तो डेफिनेटली मैं रेकमेंड करूंगा कि आप कार्ड को ले लो। क्योंकि मैं आपको बता ही चुका हूँ कि जहां पे आपका औकात था 1050 Ti का, आप ले सकते हो 1060। तो आप ऑब्वियसली बात है ये जो कार्ड होगा वो ज्यादा फ्यूचर प्रूफ या फ्यूचर रेजिस्टेंट होगा, आप और ज्यादा गेम्स खेल पाओगे और ज्यादा वेरायटी के हार्डकोर गेम्स खेल पाओगे। तो ये सब बेनिफिट्स होगा आपको यूज कार्ड लेने का। तो उम्मीद करता हूँ कि आपका ये जो डिबंकिंग का वीडियो था, मतलब कि माइंड कार्ड्स खराब होते हैं ये सब वो सब, ऑब्वियसली बात है ये सब मिथ्स हट गया होगा आपके दिमाग से। अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे जल्दी से लाइक मार दो और शेयर कर दो अपने दोस्तों के बीच में। अगर आपको ऐसा और कंटेंट देखना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन पे क्लिक कर दो, ताकि मैं जब भी नए वीडियो डालूं आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाए। फॉलो कीजिए मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर पे, क्योंकि वहां पे आपके सवालों का जवाब जो भी है मतलब मिल जाएगा। अगर कोई भी टेक्निकल सवाल है या फिर कोई भी गेमिंग या हार्डवेयर से रिलेटेड सवाल है तो वहां पे बहुत सारे कम्युनिटी में लोग हैं, वो आपकी हेल्प कर देंगे। और अगर आप मेरे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में देखिए एफिलिएट लिंक से कुछ भी शॉपिंग कर सकते हैं, ये मेरे चैनल को थोड़ा बहुत हेल्प कर देगा। अब मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।